क्या उन लोगों ने सहयोग दिया है ऐसा कोई प्रमाण? भगवान गणेश जी ने क्या धनु तोड़वाने में कोई सहयोग किया या मैया पार्वती ने किया सहयोग, ऐसा है कोई प्रमाण पत्र? नहीं, निवेदन किया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण है कि आशीर्वाद दे रहे धनुष तोड़ने वाले को? नहीं, कौन आशीर्वाद दे रहा है? शंकर जी दे रहे हैं। शंकर जी कैसे दे रहे हैं? कैसे नहीं दे रहे हैं? शंकर बताओ, ऐसा है कोई प्रमाण? ब्रह्मादि के ये सुरसी थे मुनीषा, तो प्रभु ही प्रसन्न सही दे ही आशीषा। ब्रह्मादिक आदि आ जाए वहाँ पर एक नहीं होते बल्कि कई है। ब्रह्मादिक में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश ना। क्यों? इसलिए कि एक स्थान पर ऐसा प्रमाण आया है व्यास जी, जब भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया तो उस समय क्या हुआ? बोले सब सुर विष्णु बिरंच समेता, अब गए जहां शिव कृपा निकेता, देवन समाचार सब पाए, अब ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो वहां भगवान शंकर नहीं है, ब्रह्मादि कहा गया है, ये बात हम कैसे माने? ठीक है, इस बात को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महाराज सुनो, आप इस बात को स्वीकार, भगवान सुनो भगवान शंकर का इसमें कोई सहयोग नहीं है। अगर भगवान शंकर का सहयोग होता, हम क्रोध के धरातल पर खड़े हैं, तो भगवान शंकर हमें आकर तत्काल मना कर देते कि देखो धनु टूट गया है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन क्या भगवान शंकर हमें मना कर रहे हैं? इससे स्पष्ट हो रहा है कि भगवान शंकर का हमें समर्थन मिल रहा है कि धनु तोड़ने वाला न बचे और जो उसके पक्ष में आए वो भी न बचे। तो आज तुम भी न बचोगे, याद रखना, जिसने धनु को तोड़ा है हम आज परीक्षण करेंगे। सुन सरोस, भृगुनायक आए, अब बहुत भांत थी ना आंख दिखाई। आंख दिखाना क्या है? इधर आओ, आंख दिखाना में, आंख दिखाना क्या है? नहीं, आंख दिखाना क्या है? नहीं, अरे हम तो बताएंगे, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, नहीं तो पहले बता रहा हूँ, पहले आप बताओ। नहीं, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो तुम कह दो कि तुम पहले बताओ कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम। नहीं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सब पता होगा, आंख दिखाना मुहावरा क्या है? तुम लोगों को पढ़ाया गया है मुहावरा कि नहीं? तो आंख दिखाना क्या है? मुहावरा, यानी कि उसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ डांटना। तो हम डांटेंगे बहुत प्रकार से, और डांटने में ही तुम्हें लग रहे हैं, और डांटने में ही हमारी कृपा भी छुपी हुई है। सासत करपुन कर ही पसाऊ, अनाथ प्रभुन कर सहस भाऊ। हमारा जितना बड़ा क्रोध है उतनी ही बड़ी उसमें कृपा जो है छुपी हुई है राजकुमार लक्ष्मण। जैसे पाए, जिसे तुम लोग दूध कहते हो, तो उसमें जो है दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उस पय में घृत छुपा रहता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। जब क्रिया होगी तो क्रिया के माध्यम से उससे क्या निकलेगा? घी। लेकिन क्या उसे दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन उसमें छुपा है। तो उसी प्रकार क्रोध हमारा जितना है उतनी ही कृपा छुपी है। तो उस कृपा के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जानना क्या होगा? शील, लखन कहो मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाना, विदित संसारा। माता ही पिता ही उरिण भैनी के गुरु, रिन रहा सोच पड़जी के सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ो बाढ़ा, दिन चली गयो, दिन चली गयो ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव, अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव, मैं थैली खोली। अभी महाराज जो आपका ऋण शेष है उसको मैं अवश्य दूंगा, जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा,
ले आवे आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। पहले आप अपने व्यवहारियों को बुलाएं, जब आपके व्यवहारी यहाँ पर आ जाएंगे और जिस समय ब्याज जी के पास व्यवहार जमा करेंगे तो उसी व्यवहार से मैं आपका सारा कर्जा चुकता करूं। बड़ा अच्छा करोगे। देखिए ब्याज बड़ बढ़ा, ब्याज ज्यादा हो गया है। अब मूलधन कहो 10,000 हो, ब्याज कहो 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज कहो 1,00,000 हो जाए, तो देने वाला कहो गाँव में छोड़कर भाग जाए, तो ब्याज की लालच में मूल भी चला गया। तो आज हम एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं ब्याज माफी की। योजना आया करती है ना ब्याज माफी वाली, फिर तो आज है फिर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तब ब्याज पूरा माफ है, जितना होगा हम उसी में मुक्त करेंगे। लेकिन कल ये योजना नहीं रहेगी, कल तो हम ब्याज में ब्याज भी लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तुम लोगों के घर पहुंचेंगे और बड़ी कड़ाई के साथ वसूली करेंगे। आए सब लोग, जो लोग बचे हैं, आए जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, लेकिन सबको मंच में आना। नहीं नहीं, साधारण लोग नहीं, इसलिए कि नर सहस्त्र महो सुनो पुरारी को एक होय धर्म वर्थारी। कोट विरक्त मध्य सुत कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को उल्हाई। कोट विरक्त मत, तो तुम लोग एक व्यक्ति जो है 1 करोड़ के समान है हमारे लिए। आइए, और ये बड़े अच्छे व्यवहारी हैं, और भाई ये परम सौभाग्य है कि आप राम जी के व्यवहारिया बन के आ रहे हैं। बिल्कुल, आइए आप भी। क्यों व्यवहारिया हो क्या राम जी के? सायंकाल से ही बहुत बिल्कुल सक्रिय हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि जब ऐसा कोई आयोजन हो तो व्यक्ति को बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए कि नहीं, कैसी क्या व्यवस्था है, कहाँ से कौन आया, किस प्रकार क्या। तो जो कहीं से आया है तो उसे भी लगेगा कहीं जानकार लोग, हम जानकार लोगों के बीच में आए हैं, ये उससे लगेगा। अब ये नहीं कोई उधर को देख रहा है, कोई वहीं सो रहा है, तो उससे लोग ये जान जाते हैं। पर हैं कि भगवान की परम पावन लीला हो रही है, ऐतिहासिक स्थल है ये। तो लोगों ने सुना होगा कि जब रासों का लोग गायन करते रहे हैं पहले, तो उसमें तुम्हारे गांव का भी नाम जुड़ा जाता था, सूपा करहरा और पचपहरा घेरी पराह धनी चौहान। सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना? हाँ, तो एक समय पृथ्वीराज ने यहाँ घेरवा लिया था, इसलिए कि फूट आपसी भय राजन में। क्षत्रिय लोग जो है एक दूसरे के रक्त के प्यासे रहे हैं, तो ऐसी भी स्थिति पहले हुई। बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, पावन स्थल है, बड़े बड़े श्रेष्ठ महिपाल यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धनवान पारसपटिया जिनके घर में लोहा छुअत स्वान हुई जाए। तो ऐसा पवित्र और पावन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इस स्थान की गौरव गरिमा इसी प्रकार गौरवान्वित बनी रहे, ऐसे धार्मिक आयोजन सदैव होते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस लीला को देखते हैं उनके यहाँ सदैव मंगल होता है। मंगल शब्द बालकांड में 47 बार आया है। मंगल से उपक्रम है, मंगल से उपसंहार है, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। और तिनका सदा उचाह मंगलायतन राम जस, तो जो इस लीला को देख लेते हैं उनके यहाँ सदैव मंगल होता है, अमंगल का कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। तो शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है आप लोगों के लिए, परमात्मा सदैव रक्षा करे। धन्य धन्य इस ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना की हो प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य सब पुरुष को जिनकी ने आरंभ गाड़ दियो, ध्रुव लोक लो अचल कीर्त को खम्भो। तो ये अचल कीर्त का खम्भ सदैव पल्लवित बना रहे। शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव। और तुरंत देव मैं थैली खोली, यहाँ थैली भी खोलना है, वैसे नहीं, जब तुम लोगों का पाठ है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। और जब परशुराम जी ने अब आनी व्यवहारी लक्ष्मण जी के वचनों को सुना तो राम जी की तरफ देखा, बोले राम ही देनी हो रा, बचाऊं विचार बंधु लघु तोरा। इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम्हारा अनुज है, लेकिन है कैसा मन मलिन तन सुंदर, कैसे बिस्तरस भरा कनक जैसे। ये सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गौने सकुच परिहर बानी बाम। और जैसे ही ये दृश्य आंखों में पड़ा, क्रोधित हो गए परशुराम जी, और जैसे ही क्रोधित हुए तो राम जी अमृतमयी वचनों को राम जी कहने लगे, अति विनीत
तो मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी चोरी जुग पानी। पूज्य देवता आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दें क्योंकि लक्ष्मण अभी बहुत छोटा है अनजान है और आप लक्ष्मण के वाक्यों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार न करें। भगवान लक्ष्मण को मेरे क्षमा करें सहज टेढ़ अनुहारे न तो ही भगवान मुनिराज क्षमा कर दे मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। मुनिराज क्रोध को शांत करी ये बालक ते वो स्वभाव न जानी अनुपाबु है ये न किशोर कहाँ तहु व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जानी। इसलिए भगवान सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिए नहीं काना। क्यों? क्योंकि आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोपवध जो कुछ भी करना हो अपना सेवक जान करके मुझ पर करें भगवान मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। राम कृपा को बंधन ये चार विकल्प तुमने मेरे सन्मुख प्रस्तुत किया है और जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक बार क्यों ना परीक्षण कर लिया जाए क्योंकि बालकाल में भगवान नारायण ने हमें नैमिषारण्य में सरक नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रशंसा चढ़ा दी जाए मान लेना वही राम है। आज उन्हीं के वचनों का परीक्षण इसी धनुष के माध्यम से कर रहे हैं। राम रमापति कर धन ले चहु मिटे मोर संदेह दे तो चाप आप ही चली गयउ परशुराम मन विषमय भयो जाना राम प्रभा तब पुलक प्रफुल्लित दातु जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमा। आज हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि हृदय का प्रेम आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा बारंबार वाणी के माध्यम से बाहर की ओर छलक रहा है। मैंने भूल से जो कट शब्दों का प्रयोग किया है उन समस्त कट वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था भगवन सती के यति हो न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो न जाना कि इन संतन कि तुम आत्मा हो न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया कहे कड़ु वचन तो क्षमा कीजिएगा क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा वही नाथ की जय बने जो हमारी मुझे उबारो या मारो शरण अब तुम्हारी जय रघुवंश बन जय बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृषानु जय सुर विप्रथीनु हितकारी जय मदमोह को भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखाद सुभग सभयंगा
जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहु काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो लखनलाल जी की, बोलो रामचरितमानस की। कही जय 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 रघुकुल भृगुकुल रघुकुल के तू आप ही भृगुपति गए बनही तपोहे तू। बोलिए पूज्य भार्गव जी।